मिस्टर धीरज मल्होत्रा। सर आप मुझे फाइट लेनी हो। ये सब क्या है? व्हाट इज ऑल दिस सर? और आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? जेल में। जेल में? बट बाय बाय, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? कम ऑन, लेट्स गो। चलिए हमारे साथ। सर देनी पड़ेगी आपके निशाने की। सिंघानिया, ये निशाना तारीफ के काबिल नहीं था। खुशामद करने वाले चमचों से मुझे सख्त नफरत है। सॉरी सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब छोड़ो, काम की बात करो। पुलिस ने ईश्वरदास गुप्ता के मर्डर की छानबीन कहां तक पहुंचाई है? मुझे जानना है कहां तक पहुंचाई है। उसी नंबर के जीप के असली मालिक गुरमीत सिंह तक, और डीसीपी अश्वनी कुमार को इस बात का भी पता चल गया है कि गुरमीत सिंह का आईबी ऑफिसर गुप्ता के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। यही नहीं, उसको इस बात का भी पता चल गया है कि हमारा कोई आदमी पुलिस के लिबास में भेड़िए की तरह घूमता है। यह सब इसलिए हुआ सिंघानिया कि हमारे ही गिरोह का कोई आदमी हमसे गद्दारी करना चाहता है और पुलिस से दोस्ती। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ऐसा कोई करेगा क्यों? अपने पर फैलाने के लिए सिंघानिया, पर फैलाने के लिए, या फिर अपनी मौत को और भी करीब लाने के लिए। आपका शक जाता किस पे है? सिर्फ एक आदमी पर। कौन है वो आदमी? सुखीराम का बेटा लाल भाई बुलसाए। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मैं कह चुका हूं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। कितनी बार ये बात दोहराओगे तुम? कितनी बार? बंगला तुम्हारा, दीवार तुम्हारी, दीवार में चुनवाई गई बीवी तुम्हारी। आर यू क्रेजी? मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बंगला मेरा नहीं है, कंपनी के मालिक का है। मुझसे पहले कई और लोग भी आकर रह चुके हैं यहां पर। प्लीज प्लीज ये लाइट बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये लाइट। मैं मानता हूं कि तुमसे पहले भी कुछ लोग उस बंगले में आकर रह चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी बीवी को मारकर दीवार में नहीं चुका। Who knows? हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने काम किया हो, या यह भी मुमकिन है कि हमारी कंपनी के मालिक ने यह काम किया हो। मैं तो अभी अभी इस घर में आया हूं, मुझे तो कुछ ही महीने हुए इस घर में रहते हुए। आपका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह हुआ कि जो गुनाह है ये आपके आने से पहले ही हो चुका है, आप इस घर में नए हैं। मल्होत्रा साहब, जो दीवार है ना उस पर लगी गई ईंटें भी नहीं है, और ईंटों को पकड़ने के लिए जो प्लास्टर है ना वो भी नया है, जो शायद आपने अपने हाथों से किया है। मुझे इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आपका उस पेंटिंग से भी कोई वास्ता नहीं है जो आपके कॉरिडोर में टंगी हुई है? देखिए डीसीपी जयरथ, वो मेरा घर है, उसमें मैं पेंटिंग करवाऊं या उसका फर्नीचर चेंज करवाऊं, इसमें किसी को भी दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, आपको भी। मेरी दखल अंदाजी आपके गुनाह से ताल्लुक रखती है, पेंटिंग से नहीं। तो क्या पेंटिंग करवाना गुनाह है? जी नहीं, पेंटिंग करवाना गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह करके उस गुनाह को छुपाने के लिए पेंटिंग लगाना गुनाह है। सर प्लीज ये लाइट ऑफ करवा दीजिए प्लीज। सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरी वाइफ अपने मां बाप के साथ कनाडा में है इस वक्त। Thank you.
किसी से पहचानते हो? ये तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र है जो तुमने शादी के वक्त उसके गले में पहनाया था। मल्होत्रा, एक हिंदू नारी अपना मंगलसूत्र तभी उतारती जब उसके पति की मौत होती है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, पत्नी मर गई और पति जिंदा है। आपके पास है कुछ उतारने की? ऐसे मंगलसूत्र बाजार में कौड़ियों के दाम बिकते हैं, लेकिन इससे यह कतई साबित नहीं होता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। तुम झूठ पर झूठ बोलते जाओगे और मैं तुम्हारे सामने सबूत पे सबूत रखता जाऊंगा। बोलो तो मैं बाकी थक गया हूं, डोंट डू इट। खैर, एक सबूत और दे। सबको जल जाता है लेकिन दांत बाकी रह जाते हैं। जिस खूबसूरती के साथ तुमने अपनी बीवी का अग्नि संस्कार किया, सब कुछ जल गया, बिचारी का दांत रह गए। देखा जाओ, प्लीज ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। फिर वही पुराना रिकॉर्ड। वाए वाए मल्होत्रा, वाए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया है, वो अपनी माँ बाप के साथ कनाडा में है। माजी, इन्हें भी नहीं पहचानते? माजी, आपके दामाद कह रहे हैं कि इनकी पत्नी आपकी बेटी आपके पास कनाडा में है। कनाडा? कर्नाटका में नहीं। आप ही पूछे इनसे कि आपकी बेटी कहाँ है। बेटे, मेरी मिनल कहाँ है? चलें। कहाँ है आपकी बेटी? मिनल कहाँ है बेटा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, मिनल कहाँ है? सॉरी माँ, ये क्या जवाब देगा? कोई और कहानी बची है? कुछ और झूठ बोलने बाकी हैं? कोई बहाने और करने हैं? देखो मैं, तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता,
प्लीज टेल मी। मैंने मिनल को मार डाला सर, मैंने मिनल को मार डाला। मुझे मुझे हीरो की चमक ने अंधा कर दिया। मैं मेरे से ज्यादा हीरो को चाहिए। क्या अन्ना? हाँ लालू भाई, आज लेट हो गए। हाँ क्या चाचा, सही है ना? हेलो आपके भाई। लाल भाई क्या हुआ, जल्दी निकलो यहाँ से। क्यों? पता साइड पर ढूंढ रहे, हमारी गाड़ी तरफ जा रहे। हाँ देखा, दस बारह आदमी थे। तस्वीर दिखाकर तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, याद रखना हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आंखें आगे देखने के लिए दी हैं, पीछे देखकर चलने के लिए नहीं। सर क्या हुआ, किसी से बचकर भाग रहे हो? ना सर। चलें सर, कम ऑन, आई ड्रॉप यू, गेट इन फास्ट। कहां रहते हो तुम? मलाड। मलाड कहां पर? सर यू वर राइट, वो स्केलेटन आदमी का था। यस आई वाज राइट। नीरज कब से रिपोर्ट है? तुम्हारे घर से जो स्केलेटन बरामद हुआ है, वुड यू प्लीज टेल मी किसका है? हिम्मत चौकसी का।
यस बने हिम्मत चौक से। क्या हुआ था? टेल मी एवरीथिंग। कुछ छुपाया नहीं मुझसे। सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मेरा इरादा भी नहीं था, पता नहीं उस रात मेरे सर पर क्या जुनून सवार हुआ था और मैं घर में अकेला था। गुड इवनिंग। तुम्हारा साथी अनिल उपाध्याय का, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आने ही वाला था लेकिन एक जरूरी काम की वजह से उसे फौरन बॉम्बे जाना पड़ा। Damn it! I am tired of you all. पिछले 3 दिनों से तुम और अनिल उपाध्याय गोवा में मेरी होटल में ठहरे हो। ना तो तुमने मुझे टोनी मीर चंदानी से मिलवाया और ना ही मेरे हीरो के बारे में बताया। सलामत। मैंने और अनिल ने उसे महफूज जगह पर रखे हुए। Now you listen to me. इस हीरे की डील में हम तीनों बराबर हैं। इसलिए ये जानना मेरा हक बनता है कि तुम मुझे ये बताओ हीरे तुम्हारी हक में है। हमने ऐसी जगह पर रखे हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं, तुम दोनों की नीयत नहीं। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, वो तुम्हारी समझ में, समझे? अगर मेरी समझ में खोट है और तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम मुझे टोनी मीर चंदानी से क्यों मिलवा दूंगा? जरूर मिलवा दूंगा। कल तक टोनी गोवा पहुंच जाएगा। ऑलराइट। जब तक हीरे की डील नहीं हो जाती हीरे मेरे घर में रहेंगे। हीरे तुम्हारे घर में रहे या तुम्हारी होटल में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सॉरी, जब तक डील कंप्लीट नहीं होती हीरे मेरे पास। और अगर मैं ये कहूं कि ये हीरे मेरे पास रहेंगे तो इस हीरे के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी खाना पड़ेगा। स्टॉप दिस। टुनाइट